नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अपन 24 न्यूज़। दोस्तों, मुगल माजरा गांव की तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा आग जो है लग जाती है खेतों के अंदर। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और बता दें तो ये 1, 2, 4 एकड़ नहीं, यानी कि कितने एकड़ जो है आग लगी है इस समय आप देख सकते हैं खेतों में। ये आपको हम जानकारी जरूर देंगे, लेकिन बता दें लगभग 2 घंटे, बता दें तो इसके लगभग लगभग 2 घंटे होने को आ गए हैं और आग जो है काफी ज्यादा भड़कती है। और आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग 25 एकड़ जो है यहाँ पर जो तूड़ी है वो जल जाती है। आपको बता दें तो फसल की कटाई तो जरूर हो चुकी थी, लेकिन बता दें यहाँ पर जो तूड़ी होती है उसमें किसान को लगभग 1 एकड़ में 4,000 रुपए का मुनाफा होता है, लेकिन यहाँ पर बता दें कि लगभग 1 लाख से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। लेकिन आग कैसे लगी ये भी आपको अभी जानकारी देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं दूर दूर तक बता दें तो, यानी जब इसमें आग लगी तो बकायदा फायर ब्रिगेड की टीमों को कॉल भी किया गया, लेकिन बताया जाता है कि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीमें समय पर नहीं पहुंची और इसलिए आग इतनी ज्यादा भड़की कि नुकसान जो है वो बढ़ता चला गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूर दूर तक, यानी कई किले, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यानी ये किले और भी बढ़ सकते हैं, यानी 25 किले जो है, 25 किले की जानकारी अभी बताई गई है। देख सकते हैं साथ में कुछ किसान भाई भी यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर है, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बता दें पहले भी कई बार जो है ऐसे खेतों में आग लगी है और फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल नुकसान भी हुआ है और नुकसान कितना हुआ है एक बार उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील भाटिया। कौन सा गाँव है मेरा? ये मुगल माजरा है जी। तो ये आग कब लगी, कैसे लगी? ये 1:30 बजे लगी जी। उधर से तार टूटी है जी, बिजली की तार टूटी है जी, और जी समझो नीचे गिर रही है जी। इस टाइम भी बड़ी लाइन 33 केवी की जी। अच्छा, 33 केवी की लाइन है वो? 33 केवी की लाइन है जी। तो और जी फैक्ट्री में जा रही है जी लाइन, यूनिवर्सल में, यूनिवर्सल में जी। अच्छा, इस फैक्ट्री में जा रही है? हाँ जी। तो ये मतलब ये तार में क्या खराबी थी, गिरी कैसे ये तार? ये कोई पता नहीं है जी, ऊपर से अपना टूट के गिर गया जी, नीचे गिर गई। हाँ जी। तो ये आप बता रहे हो कि यहाँ पर तूड़ी थी जो आपने वो रोड तैयार की? तूड़ी थी जी। अच्छा, तूड़ी थी सारी? हाँ जी, सारे खेतों में ये 25 किलो में सारी तूड़ी थी। तो ये मतलब ये भी आपकी बिकती है तूड़ी? ये सारी बिकती है जी, 4,000 रुपए किला बिकता है जी। 4,000 रुपए प्रति किला? किला। अच्छा जी, काट कर ले जाते हैं? हाँ जी, वह डंगरों के भूस वगैरह ये है जी। अच्छा। हाँ जी। तो ये अब सारी जल गई है? सारी जल गई है जी। कितना नुकसान हुआ है? बच्चे यो कम से कम 1,25,000 का जी नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। ठेके पे जमीन वैसे है जी मेरे पास? ठेके पर जमीन है? हाँ जी, ठेके पर जमीन है जी। सारी किराए पर ले रखी? सारी किराए पे ले रखी है जी मैंने। तो आप समझ सकते हैं कि किराए पर इन्होंने जमीन ले रखी थी। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ अब राख है, ये आप देख सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर ये जरूर है कि ये छोटे छोटे जो है इस तरह के नुकसान, बता दें कहीं ना कहीं उनके खर्चे निकाल देते हैं और किसान के लिए कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फायदे की बात होती है, लेकिन यहाँ पर इतना नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर आपने फायर ब्रिगेड की टीमों को भी बुलाया था? हाँ, बुलाया था। 2 टीम में कॉल किया आपने? वो 1 बजे के आसपास कॉल किया, 2 बजे। अच्छा, 1-1.5 बजे के बाद। लेकिन तब तक तो आरओ से खुद जोखिम का रिस्क लेके हमने, देखो ट्रैक्टर से ऐसे करके हमने आग को कवर किया। वो तो जब एंड टाइम पे कवर हो गई थी। अच्छा, ये अभी भी बढ़ रही थी? बढ़ रही थी, ट्रैक्टर से हमने जुताई करके। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से ही उधर तक ऐसे सारी की है। तो आपको बता दें तो जो खेतों में हल चलाकर जो है इसको रोका गया, ये और बढ़ रहा था, और ज्यादा नुकसान हो रहा था। और उसके आगे भी खेत आप ही ने ले रखे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल ठेके पे खेत है सारे। अच्छा, तक सारे ठेके पर ही? 40-45 एकड़ जमीन ठेके पे। अच्छा, आपके पास लगभग 40 से 45 एकड़ ठेके? हाँ, बिल्कुल। तो बता दें तो लगभग काफी सारी जमीन इन्होंने ठेके पर ले रखी है और नुकसान भी आप देख सकते हैं कि कितना हो चुका है। और बता दें कि इससे काफी ज्यादा खर्चा जो किसान का है वो निकल जाता है। लगभग 1-1.25 लाख रुपए का नुकसान जो है इनको यहाँ पर हुआ है। और ये देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने हल चलाया और हल चलाने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि तब जाकर जो है आग पर काबू पाया जा सका। अभी ये आग और ज्यादा भड़क सकती थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए साथ में और भी खेत है। यहाँ पर जाकर जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक देख ले, हम काफी दूर आ चुके हैं। अभी मैं कैमरामैन है उनसे भी कहना चाहूंगा अब एक बार सारे खेत घूमकर दिखाएं कि कहाँ कहाँ आग लगी है। तो ये देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा आग जो है वो पीछे की ओर देख सकते हैं, पूरे पूरे यहाँ पर दूर तक। और बता दें तो अभी फसल कटाई का समय था, लेकिन
और अगर आपकी यानी कि अगर फसल होती फसल तो सारी आपकी खराब हो जाती लेती, बिल्कुल सर सारी फसल जा लेती। यहाँ ये देखो सर, ये आग से बुझाई हमने, हल से अगर हल ना फेरते ना उसमें तो वो उधर से अब तक कितने सौ एकड़ कवर कर देता है, मतलब 100-150 एकड़ में आग लग आग पर काबू पाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है सर। तेजी से फैलती है, तेजी से फैलती है, जान का जोखिम रहता है सर। ट्रैक्टर भी जल जाते हैं कई बार आपने सुना होगा, ड्राइवर भी साथ में जल जाते हैं, क्योंकि हवा होती है ना जो इस टाइम ये आग होती है काफी अपने वो कहते हैं ना पूरी जवानी पे होती है, लोकल भाषा में बोलते हैं, हल्की सी आग ऐसे भड़क जाती है बिल्कुल, मतलब इसको जलने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मिनट का काम था सर। ये 15 मिनट में 25 किले जल के राख हो गए, 15 मिनट में 25 किले जल के राख हो गए। ये दिखाना चाहूंगा सर, अगर हम हल से इधर कवर ना करते ना तो कम से कम 100-150 एकड़ है ना ये देखो, ये कवर हो जानी थी सर, उधर जंगल में भी आग लग सकती थी। ये ऐसे कवर करनी पड़ी सर, जान के जोखिम लेके। तो आप देख सकते हैं उन्होंने अपनी जान खुद जोखिम में डालकर इसको आग को बुझाया है, और आगे भड़क सकती थी और भी जो है आगे बता दें तो ये एक बार शुरू हो जाए तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती, जब तक आगे की जो फसल है वो कच्ची ना हो। आपको बता दें तो ये सारी की सारी एक तरह का ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जो भूस होता है ये एक तरीके का पेट्रोल ही है, यानी एक बार इसमें आग लग जाए तो फिर इसे बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी आसानी से बुझती नहीं है। जब तक आप खेत में कटाई ना करें तब तक ये बुझती नहीं है, लेकिन अभी इतना ज़रूर है कि लोगों की जान बच गई, हालांकि उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन इतना ज़रूर है कि नुकसान तो यहाँ पर हुआ है और नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बता दें तो जो हमारे सबसे बड़ी समस्या यही है कि खेतों के अंदर आज भी जो है आग लगती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी टेक्निकल जो यहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कतें होती हैं बिजली की, उन्हीं की वजह से लगती है। तारों में से चिंगारियाँ जो है वो नीचे गिर जाती हैं या फिर तारें नीचे गिर जाती हैं तब ये आग लगती है, और ये परेशानी झेलनी किसको पड़ती है, और बाद में मुआवजा भी पूरा नहीं मिलता है अगर फसल खराब हो जाए तो। फसलों में क्या मुआवजा देती है अगर फसल खराब हो जाए? कुछ नहीं मिलता सर, कहने के 250-250 के चेक आते हैं, जिससे ऊपर का कभी चेक भी नहीं आता अगर फसल भी खराब हो जाती है। अच्छा, 250 रुपए से देखो किसानों को भी कोई नुकसान उसका 2-4-5 लाख का हुआ और मिला हो? मिला तो उसको तो 200-250 रुपए से ऊपर कभी नहीं मिले सर। बाढ़ में कुछ भी सरकार ने लारे नारे देती रही, नहीं मिला कुछ नहीं मिला, बढ़िया सा बड़े मर गए सारे हमारे मर गए, तो खा लगे मेरे मर गए थे ये पानी के साथ जीरी के जी, जो जब पिछले साल आई थी। हाँ जी, अब गया हम बाढ़ आई थी जी। अच्छा, तब नहीं मिला कोई नुकसान? कुछ कोई नुकसान नहीं मिला जी, किसी को नहीं मिला जी। और बिजली महकमा ऐसा है जी, 33 केवी की तार है, इंसान भी जाएगा अभी भी बहुत डेंजर है जी, उधर दिखाएंगे आपको। 33 केवी की से खत्म कर दिया? नहीं खत्म हुआ सर, ऐसे एज इट इज पड़ी हुई है। आपने बोला जानकारी दी है वैसे? नहीं, हमने बिजली बोर्ड को दी नहीं जी, हम तो इसमें बिजी थी, मतलब आग बचाते हैं बिजली बोर्ड को कन्फर्म करते जी। तो ये जानकारी अभी तक पहुंची नहीं है? नहीं पहुंची है सर, बिजली महकमा में पहुंची अभी है सर, अभी 33 केवी है सर वो। तो जो फैक्ट्री के मालिक है उनसे बात? यूनिवर्सल वाले हैं, उनसे कोई बात नहीं, जानकारी नहीं, उनकी चल रही है अभी? हाँ चल रही होगी, ये सामने आज यूनिवर्सल के नाम तार गिर गई तो बिजली तो खत्म हो गई होगी ना, तो जनरेटर वगैरह से चलाई होगी, ये तो हमें मालूम नहीं आजी। देखो हम तो अपने आग बुझाने में व्यस्त हैं, इसमें व्यस्त है सर। और जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद है सर। जी जी, आपका क्या नाम है? सुशील भाटिया। तो आप बेटा और पिता आप हैं आपस में? हाँ जी, हाँ जी, अंकल है आपके। अभी आप देख सकते हैं तस्वीरें मुगल माजरा गांव की, यहाँ पर बता दें तो जो किसान है वो काफी ज्यादा परेशान है, और परेशान इसलिए है कि अभी तो उन्होंने इस नुकसान को जैसे तैसे सह लिया, लेकिन मैं बता दूं तो ये नुकसान हर साल होते हैं करनाल के आसपास। आपको कई बार दिखा चुके हैं कि यहाँ पर जो है फसलों में आग लग जाती है, और आग लगने का कारण भी हम लोगों की गलतियां ही होता है, और गलतियां किसकी हैं? किसान की नहीं है, किसान खुद आग नहीं लगाता, बल्कि यहाँ पर वो अपनी मेहनत होती है, इंतजार करता है कि वो बिकेगी फसल और 4 पैसे आएंगे, लेकिन यहाँ पर हाई टेंशन तारे होती हैं, कभी तारे नीचे गिर जाती है, कभी चिंगारियाँ गिर जाती हैं, कभी स्पार्किंग हो जाती है, तो इस वजह से ये नुकसान होते हैं। अभी नुकसान आप दूर दूर तक देख सकते हैं, मैं पूरा का पूरा जो खेत है बता दें तो लगभग उसका रेडियस हमने कवर किया है, दूसरा अभी हम कवर कर नहीं पाए हैं, लेकिन इतना ही हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि फिलहाल नुकसान उनका हुआ है, और इससे भी उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। अगर नुकसान उनका बच जाता तो उन्हें कितना फायदा होता? बात करते हैं ये जो 1-1.25 लाख रुपए आपके किस काम आते हैं, यानी क्या खर्चा निकल जाता खेतों का? ये खेतों के भाई कर निकल जाता जी। अच्छा, ये की कटाई या जैसे भी है खर्चा निकल जाता और निकल जाता जी। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है उनका नुकसान इसमें, यानी उनका काफ़ी ज़्यादा उनको मुनाफा इसमें होता, लेकिन अभी फिलहाल जो हो चुका है फिलहाल उसे वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे सीख ली जा सकती है, लेकिन सीख लेगा कौन ये देखने वाली बात है। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, और सभी किसानों से हम ये कहना चाहेंगे कोशिश करें, प्रयास करें कि जब भी कभी ऐसी आग लग जाए आप ही प्रयास कीजिए, क्योंकि कोई और प्रयास जो है इस आग को बुझाने का नहीं करेगा। आप सभी से अपील, वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए।